हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा मुआ। बहुत दिन से मेरा प्लानिंग था कि मैं अपना हेयर कट करूं और ऊपर से मेरे हेयर्स के स्प्लिट्स एंड्स एंड रफनेस बहुत बढ़ रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं अपना हेयर कट करूं और इस वीडियो को आपके साथ शेयर करूं। गाइस, मेरा जो हेयर कट होगा वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा और डेप्थ चाहिए, तो इसीलिए मैं तीन स्टेप करूँगी यहाँ पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर कॉम लूँगी, उसके बाद एक रबर बैंड लूँगी और अपने हेयर्स को मैं आगे करके उसको मैं टाई कर दूंगी। फिर मैं आगे वाली पोनीटेल को अच्छे से कॉम करूंगी ताकि वो एक ही लेवल में आए, और एक रबड़ बैंड लेके मैं उसको फिर से थोड़ा सा गैप देके टाई कर दूंगी। फिर मैं आगे की बची हुई पोनीटेल को अच्छे से कॉम करूंगी ताकि वो सेम लेवल पे आए, और फिर और एक रबर बैंड लेके मैं उसको थोड़ा सा गैप देके फिर से टाई कर दूंगी। फिर मैं बाकी के बचे हुए हेयर्स को कॉम करूंगी ताकि वो सेम लेवल पे आए, फिर मैं कैंची की मदद से उसको सेम लेवल पे कट कर दूंगी। फिर मैं छोटे सीजर की मदद से उसको डायगोनली शेप में काटूंगी। आप सेम कैंची यूज कर सकते हैं, मेरे पास ये छोटी कैंची थी तो मैंने ये यूज कर ली। फिर मैं हेयर्स पे लगी हुई रबर बैंड्स को निकालूंगी और आप देख सकते हैं मेरा जो हेयर्स है वो आगे से कैसे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे जो बालों में लेयर्स बैठी है वो बहुत ही अच्छे से बैठी हुई है। अगर आपको इतना ही लेयर्स रखना है तो आप रख सकते हैं, मैं दो स्टेप्स और करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा डीप लेयर्स चाहिए। गाइज, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरी जो हेयर्स हैं उसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम लाने के लिए मुझे थोड़ा और कट करना पड़ेगा, मुझे और लेयर्स थोड़े डालने पड़ेंगे। तो मैं सेम स्टेप फिर से रिपीट करूँगी, लेकिन इस बार मुझे पीछे थोड़ा हेयर्स छोड़ना पड़ेगा और आगे से हेयर्स को लेके पीछे हेयर्स टाई करना पड़ेगा ताकि पीछे वाले बाल आगे ना आए। फिर मुझे आगे के बालों को टाई करके सेम स्टेप दोहराना पड़ेगा जैसे मैंने पहले स्टेप में किया था। फिर आप देख सकते हैं मेरे बालों में जो लेयर्स बैठी हैं वो पहले से थोड़ा सा डीप बैठी हैं। अब मुझे फिर से वही स्टेप और एक बार दोहराना पड़ेगा, लेकिन इस बार मुझे पहले से और कम बाल आगे लेने पड़ेंगे और पीछे के बालों को फिर से मैं टाई कर रही हूँ। आगे के बालों को अच्छे से कॉम करना पड़ेगा टाई करने से पहले ताकि वो सेम लेवल पे आ जाए, फिर उसको रबर बैंड की मदद से टाई करना पड़ेगा। फिर से मैं और एक रबर बैंड लेके इसको टाई कर रही हूँ। फिर मैं सीजर की मदद से इसको सेम लेवल पे कट करूँगी। फिर मैं छोटा वाला सीजर लेके अपने हेयर्स को डायगोनली काटूंगी जिससे मेरे हेयर्स में टेक्सचर आए। इस तरह से काटने से मेरे हेयर्स में थोड़ा सा फेदरी लुक आएगा। मैं दोनों रबर बैंड अपने हेयर से निकालूंगी और आप देख सकते हैं मेरी जो हेयर्स है पहले से डीप कट हुई हैं। तो चलिए इसको अच्छे से पीछे कॉम करके देखते हैं कि ये कितनी डीप कट हुई हैं। तो गाइज़, आप देख सकते हैं मेरी हेयर जो है पीछे से कैसी लग रही हैं। पहले से थोड़ा डीप कट किया है मैंने और थोड़ा सा वॉल्यूम आ गया है बालों पे। अब मुझे फ्रंट साइड पे थोड़ा सा फेदरी लुक चाहिए, तो मैं सीजर की मदद से इसको डायगोनली कट करूँगी।
अभी आप देख सकते हैं मेरे बालों में किस तरह से लेयर्स आई हुई हैं, और पीछे से अगर आप देखेंगे मेरे बालों को, वो वी शेप बनी हुई है। और किसी किसी को वी शेप नहीं पसंद है, किसी किसी को यू शेप पसंद है, तो मैं अपने हेयर्स में यू शेप करूँगी। यू शेप के लिए मैं अपने हेयर्स को बीच से पार्टीशन कर रही हूँ और उसको आगे लेके जा रही हूँ। आगे लेके मुझे फिर से कॉम करके उसको सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। और फिर दोनों तरफ के हेयर्स को अपनी उंगलियों में रख के ऐसे बीच से सेम लेवल पे कट करना पड़ेगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा हेयर कट हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। पीछे से कैसे लेयर्स बैठी हैं और आगे से भी किस तरह से लेयर्स बैठी है वो आप देख सकते हैं आगे। और ये बहुत ही इजी तरीका है घर में हेयर कट करने का, और स्पेशली अभी तो लॉकडाउन है, सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर्स तो सभी ऑलमोस्ट क्लोज्ड ही हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपके सैलून के भी पैसे बच सकते हैं। तो गाइज, मैं तो इसी तरह से घर पे ही अपना हेयर कट करती हूँ, मुझे सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे सैलून पे अपना जिस तरह से मुझे चाहिए होता है हेयर कट, उस तरह से मुझे कभी नहीं मिल पाता। और ऊपर से 600 to 1000 लग जाता है, बेकार में मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है मैं अपने घर पर इसी तरह से हेयर कट करूँ। तो गाइज़, आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।